कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशन सब बनाते हैं फॉर द गिवन लैंग्वेजेस. लेट से ऐसी लैंग्वेज के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जहां पे अल्फाबेट सेट ए बी है. जितने भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं उसमें अल्फाबेट सेट हमारा ए बी ही है, और लैंग्वेज इज टेलिंग की नंबर ऑफ ए इज इवन, नंबर ऑफ ए इज इवन. सो हमने पहले ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एग्जैक्टली टू ए, या एग्जैक्टली टू ए के लिए हमने कैसे बनाया था. आप ए की पोजीशन के बारे में बात करें और बी के बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रखें, देन कैसे ये कंस्ट्रक्ट होगा. सो दो ए, बी की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, बीच में, स्टार्ट में या एंड में. सो दिस इज फॉर एग्जैक्टली टू ए. अगर हम इसका क्लोजर ले लें तो ये हमें ये बताएगा कि हमने इसमें से दो दो ए लिए या चार ए लिए या छह ए लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ. मान लीजिए कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है ए ए बी. सो इसमें से जो दो एज हैं तो वो इस वाले पार्ट से आएंगे, लेकिन इसके बाद जो बीज हैं वो हमें नहीं पता कि कैसे आएंगे. इसके बाद वाले बीज को लाने के लिए आप स्टार्टिंग में यहां से बी स्टार्ट कर सकते हैं. फाइन, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट से एज की बारे में हम बात करेंगे और इस वाले पार्ट में हम बी की बात करेंगे. सिमिलरली अगर मेरे पास स्ट्रिंग है बी ए ए, तो ये कैसे होगा. बी ए ए के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस पार्ट में से हम केवल बी सेलेक्ट कर लेते हैं ए के. इसके बाद हम यहां से क्या करते हैं कि एक ए ही केवल सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी ये ए सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ये वाला ए सेलेक्ट कर सकते हैं. तो बी ए ए के लिए हमने स्ट्रिंग बना लिया, इस वाले पार्ट से हम एप्सिलॉन नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो बी ए ए के लिए बन गया. सो इसका मतलब है कि दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन टास्क. ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने केवल ए ए सेलेक्ट किया है क्लोजर वाले पार्ट से तो लास्ट में बी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने बी स्टार लास्ट में ऐड किया. एक और लैंग्वेज के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि दी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए. सो स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए का ये मीनिंग है कि सबसे छोटी जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में होगी दैट विल बी ए, और इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, आई डोंट माइंड क्या है इसके आगे, लेकिन जरूर जरूरत इसकी है कि स्टार्टिंग में एक ए जरूर होना चाहिए. सो ए के हमने कंफर्म कर दिया कि जरूर है. इसके बाद कुछ भी हो, ए हो, बी हो, किसी भी ऑर्डर में हो, आई डोंट माइंड. सो ए फॉलोड बाई ए प्लस बी का होल स्टार, इसका मीनिंग है कि दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन टास्क. नाउ लेट्स से हम एक और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इन विच द लैंग्वेज एंड्स विद, द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद ए. सो ये भी बहुत सिंपल है, हम एंड की बात करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा सिंबल इसकी बात हम नहीं करते हैं. सो ए प्लस बी स्टार मीन्स ए प्लस बी का क्लोजर फॉलोड बाई ए. सो यहां से इस वाले पार्ट से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग शुड एंड विद ए कंपल्सरी. फाइन, एक और लैंग्वेज लेते हैं और लेट से ये कहते हैं कि कंटेनिंग ए. कंटेनिंग ए का ये मीनिंग है कि ये स्टार्ट में भी ए हो सकता है या बीच में कहीं ए हो सकता है या फिर एंड में भी कहीं ए हो सकता है. सो हमने क्या किया कि एक ए हमें रखना है कहीं पे भी, मिनिमम एक ए तो होना ही चाहिए. स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या होगा, एंड वाले पार्ट में क्या होगा, आई डोंट माइंड. सो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी का क्लोजर ले लिया, यू सेलेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे भी यू सेलेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ ए एंड बी. लेट्स से मुझे ए बी बनाना है स्ट्रिंग, तो आप इस वाले पार्ट से एप्सिलॉन सेलेक्ट कीजिए, इस वाले पार्ट से ए सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले पार्ट से बी सेलेक्ट कर लीजिए. सो दिस विल बी ए बी. इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट लेट से बी ए, सो इस वाले पार्ट से बी सेलेक्ट कर लीजिए, इस वाले पार्ट से ए सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले पार्ट से एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लीजिए, तो बी ए बन गया. फाइन, अगर आपको ए बी ए कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कि ए है, दो एज हो गए, सो ये भी बहुत आसान है इसको समझना. लेट से पहले वाले पार्ट से हमने, क्योंकि ये क्लोजर है इससे मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं,
सो लेट से हमने यहां से एक ए सेलेक्ट कर लिया पहली साइकिल में, और दूसरी साइकिल में इसी से बी सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद ये ए कंपलसरी है तो हमने ए सेलेक्ट कर लिया, और इस वाले पार्ट से हमने एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज ए बी ए। सो दिस इज वेरी इजी टू डिजाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ए। नाउ एक और हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसमें सिंबल्स स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल आर डिफरेंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल्स आर डिफरेंट। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल आर डिफरेंट, इसका मीनिंग ये है कि अगर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है तो बी पे एंड हो, और अगर ये बी पे स्टार्ट होती है तो ए पे एंड हो। तो हम सबसे पहले पहले वाले पार्ट के लिए बनाते हैं कि स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। तो स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, और बीच में क्या है, आई डोंट माइंड। इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा, जिसमें कि स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ ए, और बीच में हमारे पास कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर्स हो, ए एंड बी, आई डोंट माइंड। सो सिंस ऐसा कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, और स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ ए, इसका मीनिंग है कि हमने यहाँ पे यूनियन लगा दिया इन दोनों का। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज। सो ये दो पार्ट्स हैं, और इन दो पार्ट्स में से आप एक सेलेक्ट करेंगे एक बार में, इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे यूनियन लिया है। सो या तो पहला पार्ट सेलेक्ट होगा या तो दूसरा पार्ट सेलेक्ट होगा। सो दिस इज अबाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द डिफरेंट सिंबल। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं जहां पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। सो ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सिंबल। इसके लिए सबसे पहले हम एक लैंग्वेज बना लेते हैं। एप्सिलॉन इज अ लैंग्वेज जिसमें कि सिंबल सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल। अगर हम ए की बात करें, ओनली ए, सो यहां पे भी ऐसा है कि इट इज स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए। अगर हम केवल बी की बात करें तो भी यही बात है, अगर हम ए ए की बात करें तो भी ये है, बी बी की बात करें तो भी ये है, ए बी ए की बात करें तो भी ये है, या बी ए बी की बात करें तो भी ये है। सो इसका मीनिंग क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये वाला पार्ट डिजाइन करें जिसमें कि या तो एप्सिलॉन हो, या तो ए हो, या तो बी हो। ओके, तो इस वाले पार्ट के लिए तो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस वाले पार्ट के लिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हमारा ये वाला है और ये दूसरा वाला पार्ट है। तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए, बीच में कुछ भी या कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं। सिमिलरली स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद बी, एंड बीच में कोई भी सिंबल्स हमारे पास हो सकते हैं। तो यू सेलेक्ट आइदर ऑफ दीज टू। सो दिस इज स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, एंड दिस इज स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद बी। नाउ जो बाकी का पार्ट है उसको आप सेपरेटली ऐसे ही ऐड कर दें, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। तो या तो एप्सिलॉन सेलेक्ट होगा, या ए सेलेक्ट होगा, या बी सेलेक्ट होगा, या तो ये पर सेलेक्ट होगा। सो देर आर फाइव डिफरेंट पार्ट्स हियर। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस, थर्ड पार्ट इज दिस, फोर्थ पार्ट इज दिस, एंड फिफ्थ पार्ट इज दिस। एंड यू सेलेक्ट आइदर ऑफ दीज पार्ट्स एंड योर वर्क विल बी डन। सो दिस इज दी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज। नाउ एक और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि वेयर द नंबर ऑफ एज इज एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन ए। मीनिंग ऑफ एटमोस्ट वन ए इज कि ए की जो संख्या है वो मैक्सिमम एक हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है कि पहली बात तो एक ए जो है वो कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। सो अगर हम केवल ये माने कि ए किसी भी पोजीशन में अपीयर हो सकता है और एक ही ए आएगा, तो मेरा जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से बनेगा, बी स्टार ए एंड बी स्टार। लेकिन इसका मीनिंग ये भी है कि मेरी स्ट्रिंग में केवल बीज भी हो सकते हैं। सो अगर मेरी स्ट्रिंग में केवल बीज हैं तो इसका मीनिंग क्या है, बी स्टार। मेरी स्ट्रिंग में बीज ही केवल है, इसका मीनिंग हो गया बी स्टार, ए है ही नहीं। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज। सो आई होप आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना समझ में आया होगा, एंड दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज।
Thanks for watching this video. In the next lecture, we will meet again with the new concept related to the regular expression.